Hello students, today we will study unit number 4 which is electrical machines. तो इस वीडियो में हम दो मोटर लेंगे, उस दो मोटर के बीच का हम डिफरेंस समझेंगे. तो पहला है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको वाउंड मोटर भी हम बोलते हैं. तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझने हैं, तो ये दो फिगर आपको याद करनी पड़ेगी. अगर ये दो फिगर आपने याद कर ली तो चुटकी बजा के ये पूरे के पूरे 10 डिफरेंस आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो बहुत आसानी से. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले दैट इज द फिगर ऑफ स्क्विरल केज रोटर एंड दैट विल बी फॉर स्लिप रिंग रोटर. फर्स्ट इज व्हाट दैट कंस्ट्रक्शन इज सिंपल. क्यों कंस्ट्रक्शन इज सिंपल? बिकॉज कंस्ट्रक्शन में अगर देखे तो ये दो एंड रिंग है और ये दो एंड रिंग के बीच में कंडक्टिंग बार शॉर्ट सर्किट किए गए हैं, खत्म. ये सारे दोनों हमने डिटेल में भी पढ़ के रखे हैं पिछले वीडियो में. अच्छा, यहां पे क्या है, कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड एज वाइंडिंग्स, कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर यूज्ड. अब इसका कंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा पार्ट्स आते हैं. कौन से? तो यहां पे आप देख सकते हो स्लिप रिंग है, ये कार्बन ब्रशेस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है, तो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कंडक्टिंग बार्स आर यूज्ड. तो ये जो बार है, दो प्लेट, ये दो प्लेट है, बीच में सिलिंड्रिकल ऐसे बार होते हैं जो ऐसे करके दो प्लेट के बीच में शॉर्ट सर्किट किए गए होते हैं. और ये जो बार होते हैं इसको बच्चों हम बोलते हैं लेमिनेटेड कंडक्टिंग बार. क्यों लेमिनेटेड? यानी क्या, एक टुकड़ों टुकड़ों में बने होते हैं और उसको हम इंसुलेटेड लिक्विड लगा लगा के इसको ज्वाइन करके बनाते हैं एडी करंट लॉस जो है कम करने के लिए. ठीक है, सिलिंड्रिकल लेमिनेटेड कोर इज यूज विच इज स्लॉटेड. अब इसमें तो हमने दो प्लेट ले ली, बीच में कंडक्टिंग बार लगा दिए लेमिनेटेड. अब इसका जो रोटर होगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा पूरा, और वो सिलिंड्रिकल जो होगा उसको हम कोर बोलेंगे, और वो सिलेंडर के ऊपर से हम स्लॉट कट करेंगे. तो ये स्लॉट कट किए हैं और ये हॉलो सिलेंडर है. ठीक है, अच्छा, स्लॉटेड ऑन विच कॉपर वाइंडिंग आर प्रेजेंट. और ये जो स्लॉट है उसमें से हम ऐसे कॉपर वाइंडिंग लगाएंगे, ऐसे 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 करके कुछ, ऐसे समझ में आ गया होगा शायद आपको. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिंग बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड विथ एंड रिंग्स ऑन बोथ साइड्स. ये जो कंडक्टिंग बार है दोनों शॉर्ट सर्किट किए गए होते हैं, दोनों साइड पे एंड रिंग्स बोल लो या एंड प्लेट से बोल लो. लेकिन इस केस में क्या होगा कि ऑन वन साइड स्लिप रिंग्स एंड ऑन अनदर साइड वेरिएबल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड. यहां पे तो दो एंड प्लेट से शॉर्ट सर्किट कर दिया, कनेक्ट कर दिया ये कंडक्टिंग बार्स को. यहां पे हम क्या करेंगे, एक साइड पे स्लिप रिंग लगाएंगे कार्बन ब्रशेस के साथ और दूसरी साइड वेरिएबल रेजिस्टेंसेस लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है नो पॉसिबिलिटी टू एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब यहां पे कंडक्टिंग बार मैंने से दूर दूर बना है, लेकिन एक्चुअल में एकदम पास पास में पूरा पेरिफेरी कवर किया गया होता है, तो यहां पे कुछ ऐड नहीं कर सकते हम रेजिस्टेंस को. जबकि यहां पे पॉसिबल टू ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन वाइंडिंग. अब ये वाइंडिंग के अंदर ज्यादा और भी आप वाइंडिंग लगा सकते हो, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है इसका. क्यों? क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, ऐसा लगाया नहीं है तो स्पीड कंट्रोल हम नहीं कर सकते. जबकि यहाँ पे स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल. क्यों? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, करंट को चेंज करेगा तो स्पीड वेरी होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस. अब जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका टॉर्क बहुत ही ज्यादा कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगाए हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क को कम रहने देगा. जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क इज मोर. क्यों? वेरिएबल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देगा करंट ज्यादा फ्लो करा के. ठीक है, नेक्स्ट इज नो मूविंग कॉन्टेक्ट इन रोटर. अब रोटर जो है इसमें कोई भी मूविंग कॉन्टेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो सिर्फ शाफ्ट ही है, कोई मूविंग कॉन्टेक्ट नहीं है. अब यहाँ पे कार्बन ब्रशेस स्लिप रिंग्स आर दी मूविंग कॉन्टेक्ट इन रोटर. यहाँ पे ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो ये स्लिप रिंग है ये, और ये कार्बन ब्रशेस है, ये क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट है रोटर के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग करंट इज हाई टू स्टार्ट दी मोटर. अब इसको अगर चालू करना है आपको तो शुरू में बहुत ही ज्यादा आपको करंट देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगेन वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका लेस है तो करंट हाई देना पड़ेगा इसको. जबकि यहां पे स्टार्टिंग करंट इज लेस टू स्टार्ट दी मोटर, क्योंकि स्टार्टिंग में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ज्यादा करंट दे देगा तो स्टार्टिंग करंट कम इसको देना पड़ेगा.
नेक्स्ट है हायर एफिशिएंसी। अब इसका एफिशिएंसी हाई है, जो भी हो इसका एफिशिएंसी हाई है, इसका एफिशिएंसी थोड़ा कम है इसके कंपेयर में। चीपर इन कॉस्ट, क्यों चीपर इन कॉस्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सिंपल है, पार्ट्स कम है, तो इस चीपर इन कॉस्ट है, और ये कॉस्ट इज हाई, क्यों हाई है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।